श्री फतेहगढ़ साहब तो लोकसभा मेंबर डॉक्टर अमर सिंह ने कहा कि पंजाब च अमन कानून के हालात बेहद खराब हैं कि लोग शाम को अपने घरों तो बाहर निकलने तो भी डरते हैं। उन्होंने कहा कि पहाड़ों वर्गे वड्डे वड्डे वादे करके सरकार बनाने वाले ते राज विच अज कतल लुटमार इतों तक कि थाणियां ते कब्जे होने लग पे हैं। वो अज इतों नज़दीकी पिंड उटाला विखे पिंड के विकास कामों का उद्घाटन करन अते 4 लाख रुपए की ग्रांट देने उपरंत पत्रकारों नाल गलबात कर रहे सन, जिस दौरान उन्होंने यह गल कही। उन्होंने कहा कि पंजाब की सरकार नूं लोकां ने संगरूर की उपचोण विच सबक सिखाया सी, पर अजे भी आम आदमी पार्टी की सरकार ने कुछ सबक सिख्या नहीं जापदा। डॉक्टर अमर सिंह ने कहा कि मोदी सरकार ने 2.5 साल तो मैंबर पार्लीमेंट के अख्तियारी फंड बंद किए हुए सन, हुण उन्हां नूं 2.5 करोड़ रुपए के फंड प्राप्त हुए हैं, जिहड़े 31 मार्च तक हल्के के सारे विधानसभा खेतरां के विकास के लिए यह फंड दिए जाएंगे। उत्थे विधानसभा सैशन ते हुईयां घटनावां ते टिप्पणी करदे डॉक्टर अमर सिंह ने कहा कि सरकार अपनी मनमर्जी दीयां खबरां छपवाउणा चाहुंदी है, पर जो मीडिया अदारे उन्हां दी मर्जी अनुसार नहीं चलदे उन्हां दे पहलां तां इश्तहार बंद किए गए सी अते हुण विधानसभा विच दाखला भी बंद किया गया। उन्हां सरकार नूं सुझाव दिता कि वह अपने अजिहे फैसले वापस लवे अते अखबारां अते टीवी चैनलां लई 600 तों 800 करोड़ रुपए इश्तहारबाजी ते खर्चन की बजाय पिंडां ते शहरां दे विकास कामां लई वरते। हल्के का बल्कि साड़ी पार्लीमेंट का बहुत वड्डा पिंड समराले दे नाल लगे, बहुत महत्वपूर्ण पिंड है और इस पिंड की पिंड ने डिमांड दी सी मैनू आ गली बनाउण दी, ते ओ मैं इत्थे 4 लाख रुपए की ग्रांट दी सी और फिर हुण सरपंच साहब नाल राजा साहब ना सारिआं नाल गल होई, उन्हां कहा कि नहीं आपां हुण इहनूं उद्घाटन कर दईए, इहदा काम उन्होंने पिंड ने आपां शुरुआत कर दईए, तो उस करके आया सी नाल। अज आए तो इन्होंने बहुत सोहना दरवाजा बनाया, उहदा भी उद्घाटन कराया, ये भी आ इन्होंने होर 2-3 मंगा रखियां ने। ये पिंड ने मैनूं बहुत वोटां ते जिताया सी, मैं अगला जिहड़ा फंड आउणा उहदे चों होर भी जिन्ना ज़्यादा तो ज़्यादा इस पिंड नूं दे सकिया मैं उहनूं देण दी कोशिश कर। देखो मौजूदा हालत जिन्ना घट बोलीए उन्ना ही चंगा, क्योंकि अमन कानून देखो जो लोग जो सरकार बनाते हैं सब तो वड्डी कोई रोटी नहीं मंगता, को बाकी गल्लां सारिया पिछे रह जांदियां ने, अमन कानून सब तो वड्डी गल हुंदी आ। अफसोस ये आ कि जिहड़े लोग पहाड़ जिड्डियां जिड्डियां गल्लां दे वादे करके आए सी, अज पंजाब दी जिहड़ी अमन कानून दी हालत आ वह बहुत खराब है। मैनू नहीं इत्थे जिहड़े बंदा कोई भी खड़ा उहनूं पुछ लो कि भाई किवें दा हैगा पंजाब दा हालत, असीं तां चलो पोलिटिकल लीडर हैं, बहुत ही खराब हालत है। लुट्टां खोहां हो रहीआं, किते कतल हो रहा, किसे नूं कुट्टिआ जा रहा, किसे नूं मारिआ जा रहा, कदे कुछ हो रहा, थाणिआं ते कब्जे हो रहे, की हो रहा पंजाब च? ये पंजाब तां कदे वी इहो जिहा है नहीं सी, कदे वी नहीं हैगा सी, ते बहुत खराब हालत आ। मेरा ख्याल आ मैं अपने जिहड़ी सरकार जिन्हां दी अज जिहड़े ताकत ने उन्हां भरावां नूं इन्नी बेनती करनी चाहूँगा, भाई ये लोकां ने तुहानूं बहुत वड्डा मैंडेट दित्ता, इहनूं जरा गंभीरता ना लाओ, इहनूं मजाक ना समझो, क्योंकि लोग सब चीज़ां देखदे हुंदे आ। तुहाडियां कारगुजारियां पहले साल दियां लोकां ने देख लिया ने, पार्लीमेंट भी आने वाली, तुहानूं संगरूर इलैक्शन च लोगों ने सबक भी सिखाया सी पर तुसीं सिख्या नहीं हैगा, हुण भी बेहतर होगा, तुहाडे कोल अजे 4 साल पए आ, इहनूं काम नूं सुधारन की कोशिश करो और आपां पंजाब नूं तरक्की दे राह ते लैके जाइए। इहनूं पंजाब नूं आपां अखबारां च खबरां छपवा के, प्रेस नूं खरीद के, उत्थे खरीदियां हुईआं खबरां छपवा के, एडवरटीजमेंट वालियां खबरां छपवा के सरकारां नहीं चलदियां हुंदियां, सरकारां तां लोक भलाई नाल चलदियां हुंदियां और अमन कानून कायम रखना ना चलते हैं। विधानसभा सैशन शुरू होने पति जो उसे बरतारा होया उन्हें किस तरह समझते हैं? नहीं वो भी देखो जड़ा अजीत अखबार नू देखो जिस तरह ये कर रहे हैं, अपने पंजाब दा सब तो जड़ा जड़ा महत्वपूर्ण अखबार है पंजाबी दा वो अजीत अखबार है, सब तो पुराना आज़ादी तो लैके पता नहीं कित्थे कित्थे उन्हों दा योगदान है, पंजाब दे विकास योगदान है उस अखबार दा, और उस अखबार नू क्योंकि उन्होंने ये अपनी मनमर्जी दी खबरां छपाउणा चाहुंदे आ, उन्होंने मनमर्जी तो थोड़ा जिहा मना किया तो वो उन्हां दा पहलां तां उन्हां दा इश्तिहार बंद करते, हुण उन्हां दी एंट्री बंद कर दी, तो डिक्टेटरशिप है, ये कोई लोकतंत्र थोड़ी आ, ये तो मैं उहदी पूरी निंदा करदा और इहनूं सारे आर्डरां नूं इन्हां नूं वापस लैणा चाहीदा। 31 मार्च तक तुसीं किन्नी ग्रांट बंट दोगे अपने इस विधानसभा समराले च? मैनूं देखो जी
ढाई करोड़ ग्रांट आई आ, पहला एक करोड़ दे सवा करोड़ आया सी, पहले वाली मैं सारी वंड चुकिया और ये भी करीब करीब मैं ऑर्डर और सारा ये ढाई करोड़ इस 31 मार्च तक कोशिश करूँगा कि सारे लोगों को, क्योंकि लोगों की डिमांड आ गई है 25-30 लाख की सारे विधानसभा की, मैं उन्होंने वंड।